खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त मैं आजादपुर मंडी में हूँ और मैं उस इलाके में आई हूँ जहाँ पर अदरक की यहाँ पर होलसेल बिक्री की जाती है। और हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी कुमार जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि अदरक जो कि मंडी में बेची जा रही है किस तरीके से इसकी धुलाई होती है, क्या किसी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इन्हीं से जानेंगे। देखिए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अदरक एक क्वालिटी अगर आप दिखाएंगे तो ये बहुत चमकदार है और दूसरा अदरक जो है वो आप देख सकते हैं कि उसका रंग थोड़ा मटमैला ऐसा है, तो इतना फर्क क्यों है सर? मैडम, ये अदरक जहाँ से पैदा होता है ना कर्नाटक में, वहीं वाशिंग होकर आता है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, जैसे अदरक निकलता है वैसे वाश हो जाता है। ये मैडम, ये असल में पुराना अदरक है, इसे बोलते हैं जो ये पुराना अदरक है, ये हो गया 1.25 साल का अदरक और ये 6 महीने पुराना अदरक, इसे बोलते हैं नया अदरक। यही अदरक खेती में जब रहेगा ना मैडम 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद, वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इतना ज़्यादा क्लीन चमकदार कैसे हो जाता है? मैडम, जहाँ से ये अदरक निकलता है वहाँ की लाल रंग की मिट्टी है, वहाँ से मिट्टी से माल निकलते ही वाश होता है, तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता मैडम। अच्छा, अगर हम कुछ केमिकल यूज़ करेंगे तो वहाँ से आने में 4-5 दिन लग जाते हैं, तो मैडम 5 दिन में अदरक सड़ जाएगा ये। अच्छा, तो हमने ऐसा हमने स्टिंग भी किया था जिसमें पता चला था कि अदरक को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो चमकदार बनाने के लिए, तो क्या इस तरीके के यहाँ पर भी कहीं पे भी इस मंडी में भी होता है? नहीं मैडम, मंडी में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए ये फर्स्ट क्वालिटी अदरक है, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। मंडी में ऐसा कहीं होता, मंडी के बाहर जो हमसे डिटेलर ले जाती हैं वो ये काम करते हैं मैडम, तो हम लोग ये नहीं काम करते। जो होलसेल की दुकान है उसमें ये काम नहीं होता है, मंडी के अंदर नहीं होता, गाड़ी खाली हो गई, हमारा काम खत्म। अच्छा, वो केमिकल कौन सा केमिकल होता है, किस तरह? उसके बारे में हमने कभी आज तक देखा भी नहीं है, सुना जरूर। कैसे साफ करते हैं कुछ इस बारे में बताएंगे? नहीं, इसको नहीं साफ हो सकता मैडम, ये ना जिस अदरक की आप बात कर रहे हैं कि जो रिटेलर लेके जाते हैं वो साफ करते हैं, मशीन होती है जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी वाला वैश करते हैं ना मैडम, तो उसको बोरी को नीचे गिरा करके प्रेशर से उसको अदरक को साफ करते हैं वो लोग, उसमें क्या थोड़ा उसके में लाइट आ जाती है, चमक आ जाती है। हाँ, चमक हो रहा, इसके चमक ऑलरेडी है इसमें, मगर इसमें वो चमक आ जाती है, मगर जो 2 नंबर 3 क्वालिटी नंबर क्वालिटी है उसमें ज्यादा चमक आ जाती है। अच्छा, केमिकल का इस्तेमाल यानी होता है उसमें जो आपने बताया? थोड़ा बहुत ना मतलब मैडम, हर इस माल में कोई जरूरत नहीं केमिकल डालने की, ये ऐसे बिकेगा मैम। पपीता हुआ, आम हुआ या फिर केला हुआ, ऐसे तमाम ऐसे फल हैं जिनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें पकाया जा रहा है और धड़ल्ले से यहाँ पर उसकी बिक्री भी हो रही है और लोग यहाँ पर खरीदने भी आए हैं। लोगों से हम पूछेंगे क्या उनको इस बात की जानकारी है कि आम को किस तरीके से पकाया जा रहा है, जो फल वो खरीद रहे हैं उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप आम खरीदने आए हैं? हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों को पता है किस तरीके से आम को तैयार किया जाता है मंडी से यहाँ? हाँ, कार्बाइड से पकाया जाता है। कार्बाइड से पकाया, आपको जानकारी है इस बात जी? तो कितना नुकसानदेह हो सकता है सेहत के लिए, इस बात से भी आप जानकारी, आपको इस बात की जानकारी हो? हाँ मैम, नुकसान तो देता ही है, नुकसान तो हर चीज में है, कोई भी फ्रूट ले लो या सब्जी ले लो, कुछ भी तो खाने में डर नहीं लगता कि आप खाएंगे सेहत आपकी बिगड़ेगी? मैम, अगर खाने से डर लगेगा, बिना खाए भी कैसे रहेंगे बताइए? आप बताइए कि आप भी यहाँ पे खरीदने के लिए आए हैं, ये बात आपको भी पता होगी किस तरीके से मंडी में पकाया जाता है आम को? हाँ मैडम, दो तरीके से, एक तो पेड़ से भी पकता है, एक कारपेट से भी पकता है, लेकिन ज़्यादातर अब पेड़ से तो पकाते नहीं है, कारपेट से ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन क्या करें, अब कारपेट से बच्चे जिद करते हैं, लेके तो जाना ही पड़ता है, बाकी प्रॉब्लम तो है ही, सबको ही प्रॉब्लम है, पता है कि इससे प्रॉब्लम है, बीमारी भी है, लेकिन एक मजबूरी है, कर भी क्या सकते हैं इस पर। मतलब आप भी मानते हैं कि आपको जानकारी इस बात की कितना नुकसान दे हो सकता है, लेकिन मजबूरी बस आपको यहाँ पे खाना पड़ेगा आम, बच्चों की जैसे आपने बताया कि बच्चे भी जिद करते हैं? बस यही मजबूरी है, बच्चे जिद करते हैं इसलिए लेके जाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज तो खाने। अच्छा, कभी आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की कि जो मिलावट हो रहे हैं फलों में, जो खाने में मिलावट होती है या फिर फलों को जिस तरीके से केमिकल से पकाया जाता है, तो कभी आप लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत की? इसके खिलाफ शिकायत करे तो मैडम कोई सुनवाई तो है नहीं, कोई शिकायत को सुने तो फिर उसके साथ खिलाफ से शिकायतबाजी करी जाए, कुछ होता ही नहीं इन चीज़ों के। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का भी कहना है कि सुनवाई नहीं हो पाती इस वजह से, अब किसको वो शिकायत करें इस बात से भी, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर शिकायत करना ही छोड़ दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो सब आम बेच रहे हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ पे बेच रहे हैं? 4 साल। 4 साल से आप आम बेच रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से मंडी में पकाया जाता है पता है आप? चाइनीज इस्तेमाल हो रहा है जी, चाइनीज मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। चाइनीज मसाले इस्तेमाल, इस बात की आपको जानकारी है? हम कर रहे हैं का। अच्छा, सेहत को नुकसान करेगा लोगों की, इस बात को जानते हुए आप लोग ऐसे फिर खरीद भी लेते हैं?
नहीं, सेहत को अगर नुकसान होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग खरीदते कैसे, सवाल तो इस बात का है। लेकिन कार्बाइड जो इस्तेमाल किया वो सेहत को तो नुकसान कर देगा ही ना, जो चाइना चीज वही थी, मगर गवर्नमेंट ने उस चीज को बंद कर दिया, अब चाइनीज इस्तेमाल करने को कह रही है।